हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 21 साल बाद आज देश के दो राज्यों ने बहुत नजदीक से एक बड़े तूफान को महसूस किया। ये राज्य है ओडिशा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से आज हवा का रौद्र रूप देखा है। तेज आवाज के साथ तूफान आया, बहुत तेज बारिश हुई, पेड़ गिर गए, कई घरों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान जब पश्चिम बंगाल में दाखिल हुआ तो हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो वक्त कैसा रहा होगा। तस्वीरें देखिए, आप एहसास कर सकते हैं इन दोनों राज्यों के लोग कितना डर गए होंगे। उम्पुन तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के हटिया और बांग्लादेश के हटिया आइलैंड के बीच हुआ। तूफान के कारण असम और मेघालय तक तेज बारिश हुई। मास्टर स्ट्रोक की पहली खबर उसी उम्पुन तूफान की है। हमने कोशिश की है कि अपनी रिपोर्ट में हम ज्यादा से ज्यादा तूफान की हुंकार आपको सुनाए। आप उन तस्वीरों को देखकर और तबाही की आवाज सुनकर इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों का पिछला 10 घंटा जो सफर है उनका वो कैसा गुजरा है। लेकिन रिपोर्ट से पहले चार हेडलाइंस देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी से उठे उम्पुन का असर उस वक्त जारी था जब वो शुरू हुआ और अभी भी। पश्चिम बंगाल में 4 लोगों की मौत हो गई है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तूफानी हवाएं ओडिशा से ज्यादा पश्चिम बंगाल में असर देखा गया। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में जगह जगह पेड़ गिर गए, 5,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। बंगाल और ओडिशा में करीब 7 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। राहत और बचाव का काम जारी है। साल बाद बंगाल की खाड़ी में ऐसा खतरनाक तूफान उठा। आसमान में कड़कती बिजली आपने कई बार देखी होगी, लेकिन ये बिजली कैसे आग बनकर बरस रही है वो इस वीडियो में देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। तेज बारिश के साथ बिजली कड़की और नारियल के एक पेड़ पर जा गिरी। फिर तेज हवाओं के साथ वो कुछ इस तरह उड़ने लगे। ये शोर है उम्पुन तूफान का, जिसने आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा को हिला दिया। ये पश्चिम बंगाल की वो जगह है जहां सुपर साइक्लोन उम्पुन पहली बार जमीन से टकराया। वक्त दोपहर के 2:30 बजे का था। सुंदरबन से करीब 150 किलोमीटर दूर है दीघा। यहां पहुंचते हुए तूफान अपनी रफ्तार पकड़ चुका था और तबाही की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ ही पलों में दीघा में चारों तरफ ऐसा मंजर था। पेड़, पोस्टर सब गिर चुके थे। तूफान की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। हवा 100 किलोमीटर की ज्यादा की रफ्तार पकड़ चुकी थी। तबाही का यह तूफान कोलकाता में भी अपने भयंकर रूप में पहुंचा।
तूफान के साथ कोलकाता में तेज बारिश भी हुई। बारिश के कारण बड़े बड़े पेड़ कुछ इस तरह गिर पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत से बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम शीट गिरती हुई दिख रही हैं। यस, एल्यूमिनियम शीट्स फॉलिंग ऑफ। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें भी कोलकाता की, जहां तूफान के बाद शॉर्ट सर्किट से तबाही मच गई। ये देखिए कैसे तेज बारिश और हवाओं के कारण कोलकाता के हल्दिया इलाके में शॉर्ट सर्किट हुआ। वहीं इस वीडियो में किसी घर में लगी एक चिमनी धड़धड़ाकर गिर पड़ी। उम्पुन की तबाही की ये दो तस्वीरें देखिए। इतना बड़ा ट्रक भी तूफान के वेग को बर्दाश्त नहीं कर पाया। सामने कुछ पेड़ हैं, आप देखिए ये मंजर जो है, और जगह जगह कोलकाता दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और मिदनापुर, जगह जगह से कई मकानों के टूटने की खबरें आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया, हावड़ा में 13 साल की एक बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है, और इसके अलावा भी कई जगह गाड़ियों को क्षतिग्रस्त हुई है, गाड़ियां और पेड़ जो है गाड़ियों पर गिर पड़े हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, खड़े होने में भी मुश्किल हो रही है, पैर जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कैमरामैन भी काफी मुश्किल से इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा है। तो कुल मिलाकर जो आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि नुकसान होगा, तबाही होगी, वैसा ही कुछ तस्वीर अब सामने आ रही है। हावड़ा में 13 साल की बच्ची की मौत हुई है, जगह जगह से कम्युनिकेशन कट गया है, मोबाइल फोन का जो कम्युनिकेशन है वो कट गया है, बिजली कनेक्शन जिस जगह पे मैं हूँ उत्तर 24 परगना का हिंगलगंज, सुबह से ही यहाँ पावर बैकअप नहीं है। आप देख सकती हैं, देखिए मैं, हवाएं इतनी तेज है कि वो पूरी तरह से हिला दे रही है, काफी मुश्किल से बैलेंस होकर खड़ा होना पड़ रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि कितने तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये तेज हवाएं अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जा रही थी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया के एक घर में तूफान का कहर देखिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के अलावा मिदनापुर में भी तूफान का खासा असर दिखा। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की 19 टीमों को पहले ही तैनात कर दिया गया था। तूफान आने के साथ ही ये टीमें अपने काम में जुट गईं। वहीं ओडिशा के 4 जिलों में तूफान का खासा असर दिखा। भद्रक, केंद्रपाड़ा और पारादीप में तेज हवाओं के बवंडर से लोगों की सांसें थमी रहीं। तूफान को देखते हुए ओडिशा में करीब 2,00,000 लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। मौसम विभाग ने तूफान से काफी पहले ही इसका अलर्ट जारी कर दिया था, और समय मिलने की वजह से सरकार और प्रशासन ने तूफान से निपटने की बहुत सारी तैयारियां भी कर ली। एनडीआरएफ की 41 टीमें वहां तैनात हैं, हर टीम में 45 लोग थे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में नेवी के गोताखोर तैनात किए गए, लाखों लोगों को पहले ही सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, और इसी तैयारी की वजह से जितनी तबाही की आशंका थी कम से कम वो नहीं हुआ। मास्टर स्ट्रोक, अगर पहले से हो तैयारी तो आसान होगी मुश्किल सारी।